पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार विनोद अग्रवाल पर भरोसा जताते हुए मेयर प्रत्याशी बनाया है। नामांकन के आखिरी दिन भाजपा के मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल भारी समर्थकों के साथ अपना नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे। भाजपा नेताओं ने विनोद अग्रवाल को विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान भाजपा मेयर प्रत्याशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी की सोच और उसके भरोसे पर मैं खरा उतर कर भाजपा को जीत दिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि महानगर की जनता ने हमेशा ही मुझे अपना प्यार और दुलार से नवाजा है। इस बार भी जनता का प्यार भाजपा पर रहेगा। भाजपा की नीतियों से जनता खुश है। भाजपा इस बार भी मेयर सीट जीतेगी। सर्वप्रथम केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से जो मेरे ऊपर एक बार फिर विश्वास जताया गया है, मैं पार्टी को भी, जनता को भी और अपने नेतृत्व को भी ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो विकास की गति जिस तेजी से महानगर में आगे बढ़ रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार के द्वारा जो विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं उन्हें और तेज गति से संपन्न होंगे। मुरादाबाद विकास के तेज गति से इंजन पर दौड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। किससे फाइट रहेगी, किस पार्टी से फाइट? मेरी छठा चुनाव है, तीन मेरी धर्मपत्नी वीना अग्रवाल जी के द्वारा, तीन मेरे द्वारा। मुझे महानगर की समस्त जनता बिना जाति धर्म मजहब हर चीज से ऊपर उठकर मुझे वोट देती है, मेरे में विश्वास करती है और मैं भी बिना किसी भेदभाव के किसी जाति धर्म के से ऊपर उठकर प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक वार्ड में समस्त जगहों पे निष्पक्ष रूप से मैंने कार्य कराए हैं। आपकी आवाज़।